है, बल्कि आज हम जा रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है जी, गोविंद भाई जा रहे हैं। ठीक है जी, और छुम्मी सेठ यहाँ पे सो रखा है। हाँ तो भाई, ये है श्रीनगर गढ़वाल इवनिंग व्यू। आज पैसा खर्च हो गया है, फुल पैसा खर्च भाई। तो गोविंद भाई काट रहे हैं अभी खड़ीक। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, तो ये पेड़ कट गया है। तो ये तो तैड़ो शिवरात्रि के दिन खाते हैं इसे वैसे। हेलो जी, मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो भाई आज का ये व्लॉग कोई पहाड़ी लाइफस्टाइल नहीं होने वाला है, बल्कि आज हम जा रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है जी, तो वहाँ पे मेरे दो चार काम हैं, उनको निपटाते हैं। तो अभी मेरे साथ गोविंद भाई जा रहे हैं, छुम्मी जा रही है। ठीक है जी, अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। तो ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत ऐसा हो गया था कि चलना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। गोविंद भाई अपनी एक्टिवा में जाने वाले हैं, हम 125 एंटॉर्क में जाने वाले हैं। दोनों गाड़ियाँ 125 सीसी है, तो पहाड़ की रोडों पे तो अभी फ़िलहाल ठीक ही चल पा रही हैं, वो उतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही है। तो बाकी देखते हैं कि क्या बनता है। अभी थोड़ी धूप भी लग गई है, लेकिन गाड़ी में चलना है तो हवा लगेगी, तो भाई जैकेट वगैरह भी डाल ली है, तो चलते हैं फिर। तो ये हमारे बैग पैक हो चुके हैं भाई। ठीक है जी, तो ये टोपी भी लेके जा रहा हूँ मैं। तो भाई ये है हमारा लोकल मार्केट दुगड्डा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई अभी हम पहुंचे हैं अपने रूम पे श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम बेसिकली 1 बजे पहुंच गए थे और अभी हम मार्केट जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो आप लोगों को श्रीनगर गढ़वाल घुमाते हैं आज थोड़ा बहुत, जो कुछ भी हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर के जो कुछ हम देखेंगे वो आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है जी, तो मैं जा रहा हूँ और गोविंद भाई जा रहे हैं। ठीक है जी, और छुम्मी सेठ यहाँ पे सो रखा है। तो चलें भाई, चलो चलते हैं फिर। हाँ तो भाई ये है श्रीनगर गढ़वाल इवनिंग व्यू शाम के 5 बजे का। ये गोला मार्केट है जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग वगैरह है, बहुत सारी दुकानें हैं। तो भाई ये वाला जो मार्केट है, ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग। अभी फ़िलहाल हम पहुंचे हैं श्रीनगर गढ़वाल। तो रात के शाम के बज रहे हैं 7, तो अंधेरा हो चुका है। तो अभी वापस से रूम पे जा रहे हैं, तो अभी ऐसे कुछ रात के नज़ारे हैं भाई श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है जी, चश्मे भी फ्लैश चमक रहा होगा ना, तो ये कहानी है बहुत। साथ ही गोविंद भाई ने इतनी शॉपिंग भी कर दी है भाई, आप लोग देख सकते हैं। तो फुल आज पैसा खर्च हो गया है, फुल पैसा खर्च भाई। तो अभी हम हैं चौरास पुल पे और वहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई, रात के शाम ही हो रही है अभी तो। खैर Day 2। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो भाई आज का व्लॉग भी हमने इस खूबसूरत से मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो आज के अभी हाल समाचार कुछ ऐसा है कि मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, नाश्ता हमने कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि आज के दिन में हम क्या क्या कुछ स्पेशल कर पाते हैं, क्या क्या काम कर पाते हैं। आज के दिन की आप लोगों को दिखाएंगे विलेजर्स लाइफ इन उत्तराखंड। अभी मैं हूँ गोविंद भाई लोगों की छत में और ये देखें आप, तो ऐसे कुछ नज़ारे। ये मेरा घर है, ये ताई जी लोगों का घर है, ये भी। तो ये है धाड़ले के सीन्स भाई। तो भाई अगर आजकल की कहानी मैं बताऊँ तो घर में कोई नहीं है, घर पूरा सुनसान सा हो रखा है। अगर आप लोग, सृष्टि भी नीचे चली गई ऊपर, यहाँ ताऊ जी लोगों के घर में भी कोई नहीं है, गोविंद भाई और मैं है बस। भाई अभी टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं, तो ये जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है, तो इसके चारा पत्ती काटनी है, मतलब इससे पत्तियाँ पुत्तियाँ काटनी है। और दूसरा मेरे को अभी पहले अपने कपड़े भी धुलने हैं, तो चलिए पहले कपड़े धुलते हैं, उसके बाद गोविंद भाई इस पेड़ को काट देंगे। तो भाई खाना बन चुका है और साथ ही कपड़े भी धुल चुके हैं, और अभी आप लोग देख सकते हैं तो गोविंद भाई पेड़ को काट रहे हैं अभी। ठीक है जी, क्योंकि कल भयंकर हवा चली थी, बारिश हुई थी, तो यहाँ पूरा पत्ता ही पत्ता हो गया था, क्योंकि पतझड़ का मौसम है ना, सर्दियों में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए काटना पड़ रहा है इसे अचारा पत्ती। बाद में तो ये किसी काम के भी नहीं होने के, तो इसलिए अभी काट के इन्हें गाय भैंसों को खिला देते हैं। गोविंद भाई काट रहे हैं अभी खड़ीक और कट जाएगा ये, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कैसे कटता है ये, कैसे कैसे लगता है फिर कटने के बाद।
तो भाई आप लोग देख सकते हैं, तो ये पेड़ कट गया है, गोविंद भाई ने इसे काट दिया। भाई बहुत मेहनत का काम है और बहुत रिस्क का काम भी है भाई पेड़ों पे चढ़ना। तो इतना कुछ घास निकला है यहाँ से, आप लोग ये देखें। तो इसकी भी अभी तई लगानी है, उसके बाद ये भैंसों के पास डालना है। तो ये सीन्स है बॉस, बहुत ऊंचा हो रखा है ये पेड़, तो इसको यहाँ यहाँ से भी काटना पड़ेगा अभी, तब जाके ये थोड़ा छोटा रहेगा। तो भाई अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम इस काम को निपटाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे गोविंद भाई ने इस वाले पेड़ को काटा था और अब ये छिकारी छुकारी का एक तई तुई लगाओ ना, ठीक है जी। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, तो ये है भाई तैड़ू का फल, ऐसा होता है ये कुछ, और इसके गुटके और साग दोनों बन जाती है, सब्जी सब्जी भी। तो आप लोग ये चेक करें, तो ये होता है तैड़ू, शिवरात्रि के दिन खाते हैं इसे। वैसे इस जो जमीन के नीचे रहता है वो भी फल, और जो जमीन के ऊपर लगता है वो भी फल। तो भाई ये है अपने नवाब साहब, इसको भी ठंडा लग गया, अब इसे अंदर रखते हैं। तो भाई अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पीछे इतना क्लियर कट हो गया है, सारा काम निपट गया है। ये जो पेड़ है ये भी कट गया है, इसकी चारा पत्ती कट गई है, और यहाँ नीचे जितनी भी घास पत्ती थी वो सारी हटा दी हमने, तो अब मस्त हो गया। साथ ही भाई अगर आप लोग धूप देखें तो धूप वहाँ जा चुकी है, अभी बस इतना स्पेस रह गया और उसके बाद सनसेट हो जाएगा। तो भाई गोविंद भाई लेके आ गए हैं अभी चाय, ठीक है जी। तो हम चाय बन चुकी है, दूध गर्म हो रहा है। जिस छानी में हम रुके थे वहाँ एक अंकल जी थे, वो बोल रहे थे चाय बनाते हैं दूध गर्म करते हैं। तो ये देखें आप, बाकी यहाँ पे अभी राजमा देखें तो राजमा छील रहे थे, ठीक है जी। हाँ तो भाई अभी पीते हैं गर्मा गर्म चाय और उसके बाद फिर बताते हैं आप लोगों को क्या क्या सीन है।